गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग का जो रनिंग चैप्टर है प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग के मैक्सिमम पार्ट को हम लोगों ने कवर किया था। दैट मीन्स की ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट एंड मतलब रेसिस्टेंस फॉर इंसेक्ट एंड पेस्ट, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हुई थी। अब हम लोगों को देखना है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन, इसको शॉर्ट में एससीपी भी हम लोग कहते हैं। ओके, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। सिंगल सेल प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, तो हम लोग जान रहे हैं कि हमारे कंट्री का या वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां पर लगभग 3 मिलियन जो पॉपुलेशन है हमारा, वह हिडन न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी है उसमें। हिडन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मतलब हुआ कि उसको सफिशियंट अमाउंट में, उसकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वह अच्छे से प्रोटीन या फिर विटामिन मिनरल जितना बॉडी के पर डे की रिक्वायरमेंट है उतना वह परचेज करके ले सके, यानी कि वह सही से। आप एक जनरल इंडिया में क्या देखेंगे कि लोग दिन में चपाती सब्जी खाएंगे और रात में, या दिन में चावल रात में चपाती। डैट मीन्स की जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वह कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी से पूरा करते हैं, जबकि बॉडी को सफिशियंट अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए और मिनरल चाहिए, लेकिन वो उतना नहीं मिल पाता। यानी कि इंडिया का बहुत कम ही पॉपुलेशन है जो पर डे मिल्क लेता है, पर डे फ्रूट लेता है, पर डे ग्रीन वेजिटेबल ले पाता है। बहुत सारे मतलब आप अगर देखेंगे तो मोर देन 60% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वह हिडन हंगर से सफर करता है। हिडन हंगर जिसमें इन डेफिशिएंसी है विटामिन की, प्रोटीन की या फिर मिनरल्स की, तो वही हुआ हिडन हंगर। ठीक है, तो उसी चीज को, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ऐसे न्यूट्रिशनल सोर्स यानी सेल तैयार किया जाए जो सफिशियंट अमाउंट में प्रोटीन का सोर्स हो या फिर सफिशियंट अमाउंट में उसमें विटामिन मिले, इसी चीज को हम लोग कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। जैसे इसके लिए सबसे ज्यादा जो है वो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तो बैक्टीरिया सॉरी जैसे हम लोग फंगाई का यूज करते हैं, तो जो मशरूम खाते हैं मशरूम में बहुत प्रोटीन मिलता है हमें, तो वो क्या हुआ सिंगल सेल प्रोटीन का एक एग्जाम्पल एक हो गया। या फिर साइनोबैक्टीरिया जैसे स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी का एक स्पेसिज है, तो स्पाइरुलिना को लेने से सफिशियंट अमाउंट में विटामिन प्रोटीन एंड मिनरल्स मिलता है, वो भी सिंगल सेल प्रोटीन है। या फिर बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक दिन में 250 ग्राम बैक्टीरिया पर डे 200 ग्राम प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि 250 केजी का एक काउ पर डे कितना, तो 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो उसके रेस्पेक्ट में बैक्टीरिया 250 केजी का एक काउ कितना, 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जबकि 250 ग्राम बैक्टीरिया पर डे 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, वेट में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए तो वैसे जो भी प्रोटीन हम लोग ये जो भी ऐसे सेल जिससे हम लोग ये अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, तो वह हुआ सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसको चलिए नोट डाउन करेंगे हम लोग। कन्वेंशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, कॉन्वेंशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर मे नॉट बी एबल टू फुलफिल द डिमांड एट विच फुलफिल द डिमांड एट विच ह्यूमन एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग।
ह्यूमन एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। देखिए ये क्या हुआ, ह्यूमन और पॉपुलेशन का जिस रेशियो से बढ़ रहा है रेट इनका नंबर, उस रेशियो से उस रेट से हमारा जो एग्रीकल्चर फूड है वो नहीं बढ़ रहा है, यानी उसका डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या हुआ, जैसे 3 to 10 केजी ऑफ ग्रेन टू प्रोड्यूस 1 केजी ऑफ 3 से 10 किलोग्राम का अगर ग्रेन हम लोग या कोई एनिमल खाता है तो उससे 1 केजी का मीट प्रोड्यूस होता है। मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम डेवलप सिंगल सेल प्रोटीन SCP। अब SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन रिच बायोमास विच इज यूज्ड एज फूड और फीड SCP इज रिच इन SCP is rich in good quality of protein and poor in fat। तो जो SCP तैयार होगा उसमें गुड क्वालिटी के प्रोटीन होंगे और फैट क्या होंगे वो कम होंगे। इससे दो दो फायदे होते हैं, बॉडी को एक्चुअल में यही चाहिए, ज्यादा प्रोटीन और कम फैट। लेकिन हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, ऑयली फूड लेते हैं तो हमने फैट ज्यादा ले लिया, ठीक है, और प्रोटीन कम कर देते हैं, तो यही वजह होती है ओबेसिटी की। हाई प्रोटीन एंड लो फैट आर डिजायरेबल फीचर ऑफ हाई प्रोटीन एंड लो फैट आर डिजायरेबल फीचर ऑफ ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमन फूड। ओके, देखिए तो हमें ऐसा ही फूड लेना चाहिए जिसमें फैट कम हो और प्रोटीन के यानी गुड क्वालिटी के जो प्रोटीन है वह ज्यादा हो। ओके, और साथ ही साथ हम लोग जो ऐसा SCP तैयार करते हैं उसमें से रिमूव एक्सेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड
मिनरल और टॉक्सिन। अगर जिस सोर्स से हम लोग एसीपी को तैयार कर रहे हैं तो उस सोर्स में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें क्या नहीं हो, तो उसमें हैवी मेटल कम हो और जो एक्सेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड है उसको भी रिमूव कर दे, यानी कि निकाल दे। क्योंकि अगर ये ज्यादा होंगे तो हमारा जो मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस होता है कि प्रोटीन, गुड क्वालिटी के प्रोटीन ज्यादा हो और फैट कम हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें न्यूक्लिक एसिड भी बहुत ज्यादा, यानी एक्सेस न्यूक्लिक एसिड होता है, तो उससे भी हमारे हेल्थ पे साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस चीज को भी हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। ओके, कुछ माइक्रोब्स जो हैं कैन बी यूज फॉर सम माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड एज सम माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड एज एससीपी। जैसे फर्स्ट में देखिए फंगाई, फंगाई में ईस्ट एंड मशरूम इज यूज्ड एज फूड विच इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद देखिए सेकेंड में बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल में से एक है स्पाइरुलिना इज यूज्ड एज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसका हम लोग यूज करते हैं किसका, स्पाइरुलिना को, किस किस चीज के लिए, तो इसका यूज करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा, साथ ही साथ इसमें मिनरल्स भी बहुत ज्यादा होंगे और इसमें विटामिन के भी अच्छे सोर्स रहते हैं। तो ये सारी चीज के लिए हम लोग इसको करते हैं। अब स्पाइरुलिना जो है वो इजिली ग्रो करता है, स्पाइरुलिना कैन ग्रो ऑन पोटैटो प्रोसेसिंग यूनिट। तो जहां पोटैटो का प्रोसेसिंग यूनिट है, जहां पोटैटो से कुछ इंडस्ट्री चलती है, पोटैटो से बहुत सारा चीज तैयार होता है, तो वहां पर जो है स्पाइरुलिना का ग्रो खुद से हो जाता है। मोलेसेस, साथ ही साथ यह सीवेज में भी आसानी से ग्रो करता है, कौन, तो स्पाइरुलिना। तो वैसे जगह पर इसका आसानी से ग्रो हम लोग करा करके इसका यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए कुछ बैक्टीरिया जहां पर इसका ग्रो हम लोग बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया में खास करके एक बैक्टीरिया है मिथाइलोफिलस, सेकेंड हुआ, और ये थर्ड में बैक्टीरिया में देखो 250 केजी काउ प्रोड्यूस 200 ग्राम प्रोटीन पर डे। एक दिन में 250 केजी का अगर कोई एक गाय है, यानी उसके बॉडी का वेट, तो 200 ग्राम एक दिन में वो प्रोटीन तैयार करता है, जबकि इन दिस सेम टाइम 250 ग्राम बैक्टीरिया प्रोड्यूस
200 ग्राम प्रोटीन, 250 केजी का एक गाय 200 ग्राम प्रोटीन एक दिन में तैयार करता है, जबकि 250 ग्राम बैक्टीरिया क्या कर सकता है, 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, खास करके मिथाइलोफिलस। फिलस बैक्टीरिया इसका यूज सबसे ज्यादा इस काम के लिए किया जाता है। तो सोचो कि अगर 250 केजी का अगर बैक्टीरिया हम लोग तैयार कर लेते हैं तो कितना प्रोटीन तैयार कर सकता है, तो वो एक दिन में कितना प्रोटीन हो जाएगा, बढ़ा के देख लीजिए, लगभग 20 केजी प्रोटीन एक दिन में तैयार कर सकता है वो। तो ये जो हुआ हमारा इस तरह से, ये सिंगल सेल प्रोटीन की बात हो गई। इसके बाद में देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन के बाद में अब हम लोग कहीं देंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर दोनों में होता है, एनिमल सेल कल्चर होता है और प्लांट टिश्यू कल्चर होता है। तो हम लोग एक्चुअली यहां पर प्लांट टिश्यू कल्चर देखेंगे, ठीक है। प्लांट में हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल में इस तरह से जो कल्चर होता है उसको हम लोग एनिमल सेल कल्चर, ठीक। अब हमारा पार्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर, जब प्लांट के किसी भी एक पार्ट को लेकर के हम लोग किसी मीडिया के अंडर में, यानी मीडिया का यूज करना पड़ेगा उसको, तो टेस्ट ट्यूब में हम लोग या लैबोरेटरिकल स्केल पे लैबोरेटरी में उस प्लांट को पहले ग्रोथ कराते हैं मीडिया को देख करके, मीडिया में दैट मींस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो प्लांट की ग्रोथ करने के लिए चाहिए वो देख करके। उसका ग्रोथ कराने के बाद में अब हम लोग उसको एग्रीकल्चर फील्ड में ले जाकर के कंप्लीट एक, या फिर जो टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ किया है उसके बाद दूसरे मीडिया में ट्रांसफर करके पहले छोटा सा प्लांट तैयार कर लेंगे और तब उस प्लांट को एग्रीकल्चर फील्ड में ले जाकर के ग्रोथ करा के कंप्लीट न्यू डेवलप प्लांट में ग्रोथ करा लेंगे। इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। जिस प्लांट के जिस पार्ट को लेकर के हम लोग ग्रोथ या कल्चर कराते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लांट। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक होता है एक्सप्लांट और दूसरा रिक्वायरमेंट होती है मीडिया की, कल्चर मीडिया। और इस कल्चर मीडिया में सारे चीज की, जैसे सोर्स कार्बन का सोर्स चाहिए तो कार्बन के सोर्स के लिए कार्बन सोर्स, यानी जैसे सुक्रोज का यूज कर लेते हैं हम लोग। फिर ग्रोथ रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी और ग्रोथ रेगुलेटर का जरूरत पड़ेगा। ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो सबसे ज्यादा 2,4-D का यूज करते हैं और साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन के रूप में सबसे ज्यादा किसका, तो बैट का, बेंजाइल एमिनो प्यूरिन। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, 2,4-D का मतलब 2,4-Dihydroxychlorine, ये हुआ ऑक्सीन के लिए। 2,4-D का मतलब यहां पर ये ऑक्सीन है। अब एक्स प्लांट के रूप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो एक्स प्लांट तो प्लांट के जिस पार्ट से कल्चर करते हैं हम लोग उसको कहते हैं एक्स प्लांट। पहले बात को समझ लीजिए, थोड़ा सा हम लिखाएंगे आपको अभी यहां पर। तो एक्स प्लांट किसको कहते हैं, एक्स प्लांट का मतलब प्लांट के जिस पार्ट से हम लोग
ग्रोथ कराते हैं या प्लांट के जिस पार्ट का हम लोग कल्चर करते हैं उससे न्यू प्लांट तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो इसमें हम लोग एक्स प्लांट के रूप में मेरिस्टेम, एम्ब्रियो, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, और कैलस, ये सारा चीज एज ए एक्स प्लांट के रूप में यूज करते हैं। तो कैलस का लेंगे तो कैलस कल्चर, मेरिस्टेम का लेंगे तो मेरिस्टेम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ये सारा चीज। और जब लिक्विड कंडीशन में हम लोग करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग सस्पेंशन कल्चर, ठीक है ना। अब इसी में एक टर्म आएगा टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी एक टर्म ऐसा होता है, टोटिपोटेंसी का मतलब कि सिंगल एक प्लांट के सेल या पार्ट से कंप्लीट प्लांट को हम लोगों ने, या कैपेसिटी है टोटिपोटेंसी कि एक कंप्लीट प्लांट को डेवलप कर लिए तो उसी को, उसी कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं टोटिपोटेंसी। मान लो कि यह प्लांट का कोई छोटा सा पार्ट है और इसको हम लोग मीडिया में डाल करके स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करके और एक कंप्लीट प्लांट के रूप में ग्रोथ करा दिए, दैट इज टोटिपोटेंसी। ये हो गया टोटिपोटेंसी। तो ये टोटिपोटेंसी क्या हुआ, यह एक कैपेसिटी है। तो जिस प्लांट में टोटिपोटेंसी या प्लांट के जिस पार्ट में टोटिपोटेंसी होगा, अगर इसमें टोटिपोटेंसी नहीं होगा तो यह पार्ट कंप्लीट प्लांट में डेवलप नहीं कर पाएगा। तो टोटिपोटेंसी का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बारी बारी से इन सारी चीजों को हम लोग अब देखेंगे, ओके। तो क्या है ये प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर इज द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ, मेंटेनेंस एंड, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑन ए सुटेबल मीडियम, ऑन ए सुटेबल मीडियम। द प्लांट विच इज कल्चर इज, द प्लांट विच इज कल्चर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड एक्स प्लांट। एनी प्लांट पार्ट, एनी प्लांट पार्ट दैट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, दैट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब दैट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब इन न्यूट्रिएंट मीडियम, इन न्यूट्रिएंट मीडिया which generate a whole plant, which generate a whole plant, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, generate a whole plant, this capacity is called, this capacity is called टोटिपोटेंसी। तो इसी कैपेसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, टोटिपोटेंसी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर प्लांट टिश्यू
कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी तो प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए प्लांट को प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, स्टेराइज कंडीशन यानी पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स मीडिया चाहिए। तो जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग डाले उसको कंप्लीट एजिटेट चलाते रहने करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज में मीडिया को डाले हैं और लिक्विड फॉर्म में है, उसे एजिटेट करने का मतलब चलाएंगे नहीं तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो वह सॉल्यूशन सही से नहीं बनेगा, तो प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो है वो कुछ कंडीशन है जो हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट में देखिए न्यूट्रिएंट में आप जानते हैं हम लोग सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट में कल्चर मीडियम कंटेंट कार्बन सोर्स, तो कार्बन सोर्स के रूप में सुक्रोज ले लिया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स जनरली ग्रोथ रेगुलेटर्स में जनरली ऑक्सीन में 2,4-D एंड साइटोकाइनिन में सबसे ज्यादा बैक का बेंजाइल एमिनोप्यूरिन, ठीक है, ये जनरली ये सारी चीजों का हम लोग क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं एग्रीकल्चर मीडिया में। साथ ही साथ पीएच शुड बी 5. पीएच कितना मेंटेन करके रखना पड़ता है, ज्यादातर जनरली 5.7 पीएच को मेंटेन करके हमें चलना पड़ता है। अब सेकेंड स्टेरिलाइजेशन, तो पैथोजन फ्री एनवायरनमेंट को मेंटेन करना ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो स्टेरिलाइजेशन को। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं, एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज बाय, तो किस किस से, या तो केमिकल से स्टेरिलाइज करें, ऑटोक्लेव करने का मतलब प्रेशर कुकर के जैसा एक छोटा सा मशीन बर्तन जैसा ही, प्रेशर कुकर से भी ऑटोक्लेव कर सकते हैं। ऑटोक्लेव का मतलब कि पानी के अंदर जो भी ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसका यूज हम लोग को करना है, जैसे सीजर वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज को पानी के साथ उस कुकर के जैसा, या अगर आप ऑटोक्लेव नहीं है आपके पास तो प्रेशर कुकर का भी हम लोगों ने अपने कॉलेज में यूज किया है, उसमें पानी डाल दिया। अब क्यों, ज्यादा प्रेशर पे उतना हाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो भी पैथोजन उस एपरेटस में होंगे वो क्या कर होंगे, मर जाएंगे। तो वैसे ही ऑटोक्लेव का हम लोग यूज करते हैं, तो एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज बाय, तो उसको हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं, स्टेरिलाइज बाय केमिकल और ऑटो क्लेव, या तो उसको केमिकल से या फिर ऑटो क्लेव करके उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब आइए स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय
सरफेस एक्सलाइजेशन, तो जिस सरफेस पे हमें काम करना है वहां पे 70% अल्कोहल का यूज करके उसको पोछ देंगे, साफ कर देंगे, तो वहां पे वो क्या होगा, जनरली वो सरफेस स्टेरिलाइज हो जाता है ज्यादातर 70% या मैक्सिमम 80% अल्कोहल का सॉल्यूशन जो है वह इसमें हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्टेरिलाइज हो गया और हीट ड्राई, जैसे हमारा क्लॉथ वगैरह है जिससे एप्रॉन वगैरह जो पहनते हैं हम लोग, अब उसे प्रेशर कुकर में नहीं साफ कर सकते हैं, अल्कोहल से धो नहीं सकते हैं, तो एक छोटा सा मशीन होता है जिसमें टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, अंदर का टेम्परेचर वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस कर देगा या 150 डिग्री सेल्सियस कर देगा, अब उसमें क्या होगा, आग भी नहीं लगेगी और वो अंदर का एनवायरमेंट को उतना कर देगा, जो भी पैथोजन उस एप्रॉन वगैरह में या कपड़े में या ग्लव्स में होंगे वो मर जाएंगे सारे। तो ये सारा चीज का हम लोग यूज करते हैं, तो उसको ड्राई हीट या हीट ड्राई भी कहते हैं ATC से, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए एरेशन ऑफ टिश्यू थर्ड हो गया ये। एरेशन का मतलब उसको चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, इरिटेट कर जाएगा। एरेशन ऑफ टिश्यू, प्रॉपर एरेशन ऑफ कल्चर टिश्यू, प्रॉपर एरेशन ऑफ कल्चर टिश्यू। उसके बाद मेथड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, क्या क्या मेथड हम लोग करते हैं, मेथड ऑफ प्लांट टिश्यू, मेथड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। मेथड ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर में टू मेजर मेथड अप्लाई करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, ठीक है। वो मेथड कौन कौन से हैं अब वो हम लोग देखेंगे, एक इन विट्रो मेथड है, ओके, तो वो है टाइप्स ऑफ इन विट्रो ग्रोथ में हम लोग देखेंगे कैलस कल्चर को और उसके बाद में सस्पेंशन कल्चर को कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में टाइप्स ऑफ एक्सप्लांट, टाइप्स ऑफ एक्सप्लांट में मेरिस्टेम कल्चर, ओके, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड साथ ही साथ एम्ब्रियो कल्चर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कैलस कल्चर। जब कैलस का मतलब होता है अनडिफ्रेंशिएटेड मास या ऐसा प्लांट का पार्ट या ऐसा प्लांट का मास जो अभी पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड नहीं है और जहां पर सेल डिवीजन की करने की टेंडेंसी है। एक्चुअल में कैलस जो है वो कैम्बियम के पार्ट से हम लोग लेकर के आते हैं, कैम्बियम के पार्ट से लेते हैं। तो कैम्बियम में आप जानते हैं क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन होने की टेंडेंसी होती है, तो वहीं से हम लोग कैलस को तैयार करते हैं। तो कैलस जो है वह अनडिफ्रेंशिएटेड मास है जहां पर सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी होती है, ओके। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, कैलस कल्चर अनऑर्गेनाइज्ड
अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल कॉल्ड कैलस। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसी को कैलस कहते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन इन कैलस occurs in suitable medium, occurs in suitable medium, suitable medium आप जानते हैं ज्यादातर 2,4-D and साइटोकाइनिन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अंडर सुटेबल मीडियम साइटोकाइनिन या पैप का यूज करते हैं। तो ये हो गया, अब यही कैलस जो है सुटेबल मीडियम टू सेल डिवीजन इन कैलस अकर्स इन सुटेबल मीडियम फॉर न्यू प्लांट। ये क्या बना देगा, तो कैलस से कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। सेकेंड में देखिए सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर हमारा क्या कहता है, सस्पेंशन कल्चर का मतलब हो गया कि जब सस्पेंशन कल्चर कि जब किसी सॉस लिक्विड मीडियम में एक प्लांट को हम लोग डाल करके कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट कराते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन कल्चर। वही चीज क्या हो गया, सस्पेंशन कल्चर होता है। ओके, लिखेंगे हम लोग एक्स प्लांट इज सस्पेंडेड इन टू, एक्स प्लांट, एक्स प्लांट इज सस्पेंडेड into एक्स प्लांट इज सस्पेंडेड इन टू लिक्विड मीडियम सस्पेंडेड इन टू लिक्विड मीडियम कंटेनिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सीजन 2,4-D एंड back and agitated at 100 to 250 RPM। RPM का मतलब revolution per minute, यानी एक मिनट में उसको 100 बार घुमाना पड़ेगा। agitation का मतलब एक ग्लास पानी में चीनी डाल दो या कोई रेत को डाल दो और चम्मच से उसको घुमाओ, तो जब तक घुमाते रहोगे वह रेत जो है पानी में घूमता रहेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, एग्रीगेशन कहलाया। अब यहां पे हमने क्या दिया है, 100 से 250 RPM, यानी एक मिनट में 100 बार से लेकर के 250 बार घुमाने का जो प्रोसेस करते हैं वही हुआ 100 to 250 RPM, यानी रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, तो ये प्रोसेस हुआ सस्पेंशन कल्चर का। देखो सस्पेंशन कल्चर और ये आपका मेरिस्टेम का कल्चर, सॉरी कैलस कल्चर, दोनों कल्चर में कुछ बातों को ध्यान देना पड़ता है। क्या, जब हमें रूट का जेनरेशन कराना है कि हमें सूट का जेनरेशन कराना है, ये डिपेंड करता है साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पे। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई रखते हैं तो पहले रूट का जनरेशन होगा,
और अगर साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन हाई करेंगे तो सूट का जनरेशन होगा। तो ये सब कुछ प्रोसेस है, यानी कि ये लैबोरेटिकल मतलब प्रोसीज्योर है जिसके बेसिस पर हम लोग ये काम करते हैं। तो इन बोथ कल्चर टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल newly formed cell part of culture part of culture are regularly transferred to regularly transferred to new culture vessels नए कल्चर के वेसल में ट्रांसफर करते हैं containing fresh media. This process is termed as subculturing. This process is termed as subculturing. कैसे? तो यहां पर देखिए, subculturing कहने का मतलब क्या हो गया? यह मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, और इस टेस्ट ट्यूब में एक प्लांट है, इस टेस्ट ट्यूब में यह मीडिया है और फिर इसमें यह कोई एक्स प्लांट है, ठीक, ये हो गया एक्स प्लांट, कैलस हो या कोई भी एक्स प्लांट हो, और ये कल्चर मीडिया हो गया। अब इस कल्चर मीडिया में से इस एक्स प्लांट को निकाल के किसी दूसरे न्यू फ्रेश कल्चर मीडिया में ट्रांसफर जब करेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब कल्चरिंग। यानी कि क्यों? क्योंकि अगर इसी में हम लोग छोड़े रखेंगे तो ये जो कल्चर मीडिया के जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है, जैसे जैसे ग्रोथ होगा वो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट कम होते चले जाएंगे, कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा, तो यहां से निकाल के फ्रेश मीडिया में डालेंगे तो उसका ग्रोथ हाई हो जाएगा, तेजी से बढ़ेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग, टर्म दिए हैं हमने सब कल्चरिंग। ओके, इसमें हम लोग ये हो गया फ्रेश मीडिया, और इस एक्स प्लांट को निकाल के इसमें हम लोग ट्रांसफर कर दिए, या फिर दूसरा उपाय ये होता है कि यहां से पुराने वाले मीडिया को धीरे धीरे यहां से निकाल के बाहर करें और इधर से कोई फ्रेश मीडिया को अंदर डालें। यह भी सब कल्चरिंग का ही पार्ट है, यह भी सब कल्चर कहलाता है। इसमें एक सावधानी देखनी पड़ती है कि ऐसा नहीं कि सारा मीडिया को एक बार निकाल के तब फ्रेश मीडिया डालें, उतने देर में यह एक्स प्लांट मर जाएगा। तो एक तरफ धीरे से नीचे से यहां से ऐसा कोई होल ऐसा हम लोग बीकर लेंगे या टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें एक छोटा सा होल को कैप से खोलने बंद करने का दिया रहने, कैप को खोलेंगे यहां से सारा निकलेगा, दूसरी तरफ से फ्रेश मीडिया धीरे धीरे डालते रहेंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे बॉडी के ब्लड में कोई इंफेक्शन हो गया,
तो ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि बॉडी के सारे ब्लड को एक बार निकाल के या किसी दूसरे से फ्रेश ब्लड को डाल दें, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अगर ऐसा करेंगे सारा ब्लड को निकाल देंगे उतने देर में सारे ऑर्गन डेड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। उसी तरह यहां पर ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो यही हुआ सब कल्चर। ओके, सूट एंड गुड जनरेशन आर कंट्रोल बाय सूट एंड रूट जनरेशन आर कंट्रोल बाय कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। कैसे? तो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन से हम लोग रूट और सूट के जेनरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें पहले रूट का जेनरेशन कराना है या हमें सूट का, किसका जेनरेशन पहले कराना है, जनरली पहले हम लोग सूट का जेनरेशन करा के फिर रूट का जेनरेशन करा देते हैं, तो उसके लिए ये साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मेंटेन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो साइटोकाइनिन जो है वो क्या करता है, एक्सेस ऑफ साइटोकाइनिन प्रमोट करेगा सूट जेनरेशन को, यानी जब हम लोग मीडिया में एक्सेस ऑफ साइटोकाइनिन प्रमोट सूट, एक्सेस ऑफ साइटोकाइनिन प्रमोट सूट जेनरेशन एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रमोट रूट जेनरेशन। ठीक है, रूट जेनरेशन और ये सूट जेनरेशन। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली सूट जेनरेटेड बाय साइटोकाइनिन, सूट जनरली सूट इज जेनरेटेड बाय साइटोकाइनिन, देन एक्सप्लांट ट्रांसफर टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मीडिया फॉर रूट जेनरेशन। तो पहले हम लोग ज्यादातर ऐसा यही प्रोसेस करते हैं, नॉट ऑलवेज बट इन जनरल, इसलिए जनरली हम कह रहे हैं कि सूट जनरेशन कराने के लिए पहले साइटोकाइनिन में ट्रांसफर करने के बाद अब उसे ऐसे मीडिया में ट्रांसफर करेंगे जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तब वहां पर रूट आ गया। अब जब रूट भी आ गया सूट भी आ गया तो वो प्लांट धीरे धीरे अपना ग्रोथ करेगा, तब उसे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रांसफर करके कंप्लीट न्यू प्लांट में डेवलप करा लेते हैं। तो ये कंसंट्रेशन जो है वह हमें क्या करता है, इस तरह से हमें प्रमोट कराता है। अब देखिए, प्लांटलेट्स आर रिमूव फ्रॉम प्लांटलेट्स आर रिमूव फ्रॉम कल्चर एंड स्टेबलाइज इन कल्चर एंड स्टेबलाइज इन द फील्ड स्टेबलाइज इन द फील्ड। दिस इज
डन बाय ए, दिस इज डन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हार्डनिंग। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हार्डनिंग कहते हैं। ड्यूरिंग हार्डनिंग प्लांटलेट्स आर केप्ट अंडर ड्यूरिंग हार्डनिंग प्लांटलेट्स आर केप्ट अंडर रिड्यूस लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी तो लाइट कम रखेंगे, ह्यूमिडिटी को बढ़ा देंगे, उससे हार्डनिंग होने में हेल्प मिलता है। अब नेक्स्ट देखिए, मेरिस्टेम कल्चर में क्या क्या है, तो मेरिस्टेम कल्चर में एक्चुअली पैथोजेन फ्री प्लांट हम लोग तैयार करते हैं। क्यों? मेरिस्टेम जहां पर होता है, चाहे एपिकल मेरिस्टेम हो या एक्जिलरी मेरिस्टेम हो, आप जानते हो वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होता है और ग्रोथ यानी सेल डिवीजन भी हाई होता है, जिसके वजह से वह एरिया जो है वह वायरस फ्री होता है। तो पैथोजेन फ्री प्लांट को डेवलप कराने के लिए हम लोग मेरिस्टेम कल्चर करते हैं। तो मेरिस्टेम कल्चर इज यूज्ड फॉर पैथोजेन पैथोजेन फ्री प्लांट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो मेरिस्टेम में दोनों, चाहे वह एपिकल या फिर एक्जिलरी मेरिस्टेम हो, दोनों मेरिस्टेम में आप जानते हो, चाहे एपिकल हो या एक्जिलरी मेरिस्टेम हो, हैज हाई ऑक्सीजन एंड हाई डिवीजन कैपेसिटी। ऑक्सीजन भी हाई होगा और डिवीजन की कैपेसिटी भी हाई होगा, जिसके वजह से वह वायरस फ्री होगा, विच इज और जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, तो वो वायरस फ्री हो जाएगा। वो पार्ट मेरिस्टेम का वो पार्ट वायरस फ्री होता है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। हम लोग क्या करते हैं, तो वन टू लीफ प्राइमोडिया मे बी टेकन फॉर दिस एपिकल बर्ड इज स्टेरिलाइज्ड because bird is
स्टेरिलाइज, तो बर्ड को एपिकल बर्ड को क्या किया, स्टेरिलाइज कर दिया, फॉर दिस एपिकल बर्ड इज स्टेरिलाइज। Should take place over culture medium this process तो मेरिस्टेम कल्चर का हम लोग सक्सेसफुली यूज करते हैं बनाना में, सुगर केन में। This process is used in banana sugar cane industry। ज्यादातर इन सब प्लांट में सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो मेरिस्टेम कल्चर हम लोग या पोटैटो में भी यूज कर लेते हैं, हम लोग पोटैटो में भी होता है, कभी एग्जांपल ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो इन सब में हम लोग मेरिस्टेम कल्चर को करते हैं। मेरिस्टेम कल्चर के बाद में देखेंगे हम लोग प्रोटोप्लास्ट का कल्चर, कि प्रोटोप्लास्ट का कल्चर यहां से एम्ब्रियो कल्चर भी देख सकते हैं, कोई भी एक हम लोग देखेंगे। प्रोटोप्लास्ट के कल्चर में जस्ट वन मिनट, मैं थोड़ा इसमें इंक डाल लूं। तक आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए तो अब आइए प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या कहता है, कि फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट एक साथ होगा, प्रोटोप्लास्ट कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट कल्चर, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब ये देखो प्रोटोप्लास्ट का कल्चर जो हम लोग करते हैं, इसमें प्रोटोप्लास्ट सबसे पहले कहते हैं किसको है, जब एक सिंगल सेल यानी सेल वॉल लेस सिंगल सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले यानी कि समझो यह एक सेल है, सेल का यह सेल वॉल हो गया, सेल वॉल के अंदर में क्या है, यह सेल हो गया और यह सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पुर्किंजे ने प्रोटोप्लास्ट थ्योरी दिया था, वो सब सेल के टॉपिक में रिवीजन कर सकते हैं आप। अब यहां पर हम लोग इस सेल वॉल को हटाने के लिए, सेल वॉल जनरली किसका बना होता है, तो सेलुलोज का प्लस पेक्टिन का। अब इसको डिजॉल्व करने के लिए हम लोग इस चीज को, सेल वॉल को हटाने के लिए हम लोग दो एंजाइम का यूज करते हैं, यानी इस चीज को डिजॉल्व करने के लिए किसका, सेलुलेज प्लस पेक्टिनेज, ठीक। आप जब इसका यूज करेंगे तो हमें इस तरह का सेल मिल जाएगा, यह सेल मिला हमें, ठीक। और यहां पर सेल वॉल नहीं है, ये क्या है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब ऐसे ऐसे दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट को, दो अलग अलग जो प्रोटोप्लास्ट होंगे वह जनरली दो अलग अलग वैरायटी का हम लोग लेते हैं, ठीक।
ये प्रोटोप्लास्ट हमें इस तरह से प्रोटोप्लास्ट मिला, एक ये प्रोटोप्लास्ट हुआ और दूसरा ये प्रोटोप्लास्ट हुआ और यह भी प्रोटोप्लास्ट हो गया। ये प्रोटोप्लास्ट किसी प्लांट के वेराइटी ए है और किसी प्लांट का ये वेराइटी बी है। अब इन दोनों का फ्यूजन कराना, फ्यूजन दो तरीके से करवा सकते हैं। तो फ्यूजन यानी फ्यूजन और प्रोटोप्लास्ट हमने दिया है, तो फ्यूजन जो होगा वह दो तरीके से करवा सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को, या तो किसी केमिकल का, केमिकल में सोडियम नाइट्रेट, और नहीं तो पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉन। तो भाई फ्यूजन बाय, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं इसको। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब एक बार थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक दी और फिर इसे नॉर्मल कर देंगे, फिर देंगे फिर नॉर्मल कर देंगे, तो उससे क्या होते हैं ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो फ्यूजन बाय इलेक्ट्रिक और बाय केमिकल, ठीक। इसके अंदर यह न्यूक्लियस है और इसके अंदर का यह न्यूक्लियस है, ठीक। और केमिकल से कैसे, तो केमिकल में या तो क्या बोले हम सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं और बाई पॉली इथाइलीन ग्लाइकॉल जिसे पीईजी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक ये चीज का यूज किया हम लोगों ने। अब देखिए इसकी आगे की बात, जब ये फ्यूज कर गया, अब फ्यूजन कराएंगे या तो किसी भी चीज से करा लें, इलेक्ट्रिकल शॉक दे करके या केमिकल से, तो जब ये काम होगा तो क्या होगा, एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हमें मिलेगा, क्योंकि दो अलग अलग वैरायटी लिए हैं, ज्यादातर दो अलग अलग वैरायटी का ही हम लोग लेते हैं। तो ये समझ लो इस तरह से, और इसमें दो इस तरह का न्यूक्लियस हो गया, एक उस वैरायटी का और एक इस वैरायटी का। तो ये जो हुआ जनरली, तो इसके वजह से रिजल्टिंग हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हमें मिला। दिस इज हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, और हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिला दोनों चीज हो सकता है, या तो अब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएं या दोनों न्यूक्लियस सेपरेट रहें, यानी कि इस तरह से भी हो सकता है, दोनों न्यूक्लियस जो है वह फ्यूज करके एक न्यूक्लियस हो जाए, यानी बोथ न्यूक्लियस फ्यूज, और या फिर दोनों न्यूक्लियस सेपरेट रहें और दोनों अपना अपना जेनेटिक मटेरियल से अपना अपना कैरेक्टर को शो करें, यानी बोथ न्यूक्लियस फ्री। अब देखो तो यहां पे जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना है वह सोमैटिक सेल से बना है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सोमा क्लोन या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको कहते हैं हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोगों ने समझा। अब इस चीज को दिखा देता हूं मैं फटाफट आपको, डेफिनेशन लिखे थे प्रोटोप्लास्ट कल्चर का, उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, द सेल्स आर ट्रीटेड विथ
सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, दीज एंजाइम डिजॉल्व the cells dissolve the cell wall and naked protoplasts are produced. Next point, are produced. Naked protoplasts are fused by electrofusion or chemofusion जो है वो हम लोग कराते हैं किससे, सोडियम नाइट्रेट से या पीईजी पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल से, ठीक है। तो ये दोनों चीज का हम लोग केमिकल फ्यूजन कराने के लिए करते हैं। इन रिजल्ट हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म, तो क्या बन गया, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट फर्दर ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट। दीज हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड क्यों, क्योंकि सोमैटिक सेल से प्रोटोप्लास्ट तैयार किए हैं, कोई सेक्स सेल से नहीं तैयार किए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है सोमैटिक हाइब्रिड। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, तो उस प्रोसेस का नाम पड़ जाएगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, फिर उसके बाद में देखिए, अब आइए एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में हम लोग एम्ब्रियो को पहले एक्सीजन कराते हैं, मतलब काट के निकालते हैं। एक्सीजन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सीड एंड देयर कल्टीवेशन फ्रॉम सीड एंड देयर कल्टीवेशन। उसके बाद में देखो, जो हाइब्रिड सीड होते हैं, जब हम लोग एम्ब्रियो के थ्रू उसका रेस्क्यू करते हैं, यानी उसको दोबारा पाने की कोशिश करते हैं, तो वो सक्सेस नहीं होता है। आप मालूम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों हाइब्रिड का मतलब दो अलग अलग पेरेंट हैं, तो वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग जब हाइब्रिड सीड से अगर एम्ब्रियो कल्चर करा रहे हैं, तो वहां पे जो फीमेल पैरेंट होती है उसका एम्ब्रियो लेकर के कराते हैं।
देखिए इसमें इन एम्ब्रियो रेस्क्यू, इन एम्ब्रियो रेस्क्यू इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड आर ऑफ्टन स्टेराइल बिकॉज एम्ब्रियो मोर्टालिटी एंड सीड कोलैप्स इन सच केसेस एम्ब्रियो एक्साइज फ्रॉम फीमेल एम्ब्रियो कल्चर अलाउ सीडलिंग डेवलपमेंट इन द प्लांट इस चीज को हम लोग यूज करते हैं. इट इज यूज्ड इन रेयर प्लांट. रेयर प्लांट जैसे मका पुनो कोकोनट के लिए. मका पुनो एक रेयर कोकोनट प्लांट है तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं. ओके अब आइए हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर. तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन है? तो पहले फर्स्ट एप्लीकेशन रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन. ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन this method of producing thousands of plants through tissue culture is called micropropagation. Each of these plant cell will be each of these plant cell
will be genetically identical to parent that is they are soma clone एग्जाम्पल इसका ज्यादातर है जैसे टोमेटो पोटैटो बनाना एप्पल एप्पल इटीसी ठीक। सेकेंड एप्लीकेशन पैथोजेन फ्री प्लांट रिकवरी ऑफ प्लांट रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट by maintaining culture तो ये जो है वो एप्लीकेशन हो गया इस प्लांट टिश्यू कल्चर का। तो इसमें ये सारी बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, यहां तक में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट का स्टार्ट करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा जो हाइब्रिड प्लांट के नाम है पूसा गौरव पूसा स्वर्णिम, किस प्लांट का ये हाइब्रिड प्रोडक्ट है, किस चीज के लिए रेसिस्टेंस है, ये सारी चीज जो है वह इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है ये सब चीज से, तो थोड़ा सा ये आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, तो यहां तक में हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। ओके।